24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। आज दिनांक 9 अगस्त 2022 को आजादी की 75 वर्ष गांठ महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन नैनी FCI में किया। संपूर्ण भारत में रसद खाद्य मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम के मुख्य अधिकारियों में संभागीय खाद्य नियंत्रण प्रयागराज नरेंद्र कुमार, भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक जय शंकर शाही एवं सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार मीणा जी के साथ अनेकों पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुलिस वाला हमें रोके ना, कहीं भी आ जा सकते थे, हमारी किसी की कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन सबकी छुट्टियाँ कैंसिल थी ताकि सभी लोगों के पास समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुँच सके। तो ये फेज वाइज अलोकेशन है जो कार्यक्रम कॉल करने का है। आप लोग को जानकारी होगा कि भारतीय खाद्य निगम 1964 से कार्यरत है और पूरे भारत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से लेकर के और नागालैंड मणिपुर प्राइस को लेकर के तमाम जो पंक्ति है इसको लेकर के क्या है क्या सर? फोर्टिफाइड राइस में बेसिकली फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है जो किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है, खाने योग्य है। और हमारा ये कहना है कि उस खाद्यान्न में अभी हम लोग 4 जिले हाई वर्डन डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। MDM के अलावा NFSA में हम 45 राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सबसे अनुरोध है कि उसको प्रयोग में लाएँ, उसको यूज़ करें, उसको खाएँ। उसको खाने से हमारे शरीर में ताकत आएगी, हमें बीमारियों से मुक्त करेगी। तो सभी लोग उसको प्रयोग में लगे आए, किसी भी तरह का कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो प्लास्टिक चावल है या कोई बाहरी तत्व नहीं है उसमें, ना फोर्टिफाइड लगा हुआ है, वो आयरन युक्त है। उसके लाभ लें, उसके फायदे लें और जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उसको सफल बनाएं। जी मैं संभाग खाद्य प्रयागराज संभाग मैनेजर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप लोग सिखाते हैं आने की मतलब हो गया, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा इसमें स्टेप लिया है कि हम सीधे से गोडाउनों से जो से के हमारे चार जिले हैं इसमें हम खाद्यान्न को सीधे सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से राशन डीलर की दुकान तक पहुँचाएंगे। और हमारा ये 2 जिलों में कल शुरू हो गया है, कौशाम्बी और फतेहपुर में, और प्रयागराज और प्रतापगढ़ में कल से हमारा ये शुरू हो जाएगा। 60 ब्लॉक हैं चारों के अंदर, तो सभी में डोर स्टेप डिलीवरी चालू हमारे यहाँ हो रहा है। उसमें लटकोली की शिकायतें गोदामों पर होने वाली शिकायतों का भी सब निराकरण होगा, मैं समझता हूँ। और राज्य सरकार का बहुत अच्छा कदम है, भारतीय खाद्य निगम सर लगातार खाद्यान्न मिल रहा है, भारतीय खाद्यान्न से कोई समस्या है कल मेरे लगभग 9 महीने का कार्यकाल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं आई है। निरंतर की रेख आती है, क्वालिटी की कोई समस्या नहीं आई, शिकायतें कोई